दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार मेरे चैनल एग्रीकल्चर सपोर्ट प्लस में। किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अगर आप राइस मिल चला रहे हैं, ठीक है, और आपके राइस मिल से चावल टूट रहा है या आपका जो रबड़ है इस तरह से कट जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आपका रबड़ कट जा रहा है, या आपके राइस मिल का बहुत ज़्यादा चावल टूट रहा है, या आपके आपके राइस मिल में धान आ जा रहा है, ठीक है, जैसे आपका चावल निकल रहा है उसमें एक एक दो दो चार चार धान आ जा रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो आज को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी अगर आप नया राइस मिल लेने वाले हैं या आप मशीन चला रहे हैं या आप 1 साल से चला रहे हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, या आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं किसी का धान में आप चला रहे हैं कहीं धान नहीं आ रहा है, तब तक कुछ देर बाद आप पुनः दूसरा धान डाल रहे हैं तो उसमें से जो है उस धान में से जो है चावल जो निकल रहा है उसमें धान आ रहा है, ठीक है ना, या आपका बहुत ज़्यादा जो है भूसी आ रहा है आपके चावल में, ठीक है, जैसे जो चावल खाने वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा भूसी आ रहा है, चावल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। और ये है देखिए राइस मिल का पत्थर, ठीक, यही पत्थर है, ये चाइनीज पत्थर है, ये पत्थर निकला हुआ पत्थर है, ठीक है। और बाद बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, बढ़िया से आप देख लेंगे तो मुझे लगता है आपकी आधे से ज़्यादा समस्या तो तुरंत पालिसर का जो समस्या होगा आधे से ज़्यादा तुरंत सॉल्व होगा। इसी वीडियो से आपका आधे से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम को मुझे लगता है यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा भैया, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तब जा करके वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, वीडियो नहीं पसंद आएगा तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी पहले हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, अभी पहले आपको बताते हैं कि कितनी तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे रबड़ को देखिए, यहाँ पे देखिए कितने रबड़ को मैंने इकट्ठा किया है, अभी बहुत सारा और भी रबड़ है, उसका अगला वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी 50% प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए इंच टेपलर भी लिया हूँ, ठीक है, तो इसको करते हैं अभी हम साइड में, ठीक है। और आइए हम आपको पहले तरह तरह का रबड़ दिखाते हैं, कैसे कैसे कटता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आपका ब्रांड नहीं सही आ रहा है या क्या हो रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई धान है उसका बहुत ज़्यादा चावल टूट रहा है, अगर किसी तरह से कंट्रोल किए तो उसमें भूसी आ रहा है, ठीक है। तो यही सब पूरा टॉपिक सोचे हैं आज इसको पूरा कवर करें, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे सीजन चालू हो चुका है, कहीं पे होने वाला है, कहीं पे कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि धान की कुटाई चल रही है। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे भैया, आइए सीधा टॉपिक पर। देखिए एक रबड़ ये भी है, आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए, इसलिए आज पूरा विधिवत कैमरा वैमरा फिट करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए ये रबड़ है पूरा, यहाँ देखिए ये तो प्लेन रहता है, और एक चीज़ ये भी देखिए इसी में फंसा रहता है, ठीक है ना, ये जो प्लेट है इसी के ऊपर लकड़ी होती है, सेम देखिए ये इसी के ऊपर लकड़ी होता है, ठीक है ना, ऐसे लकड़ी मोटा सा चौड़ा सा, एक कितना मोटा लकड़ी इसके ऊपर होता है, ठीक है। और यही पालिसर में पड़ा होता है, यही पत्थर रहता है, पत्थर के ऊपर इस तरह से, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, एक नया रबड़ भी रखा हूँ आपके लिए ताकि आज के वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो कहाँ गया मेरा रबड़, नया वाला ये है भैया रबड़, ठीक है, ये अभी चला नहीं है, थोड़ा सा चला था, ठीक है। अब देखिए ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए ये देखिए कटिंग है ना, आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है, ये देखिए यही चीज़ इसमें जो है जा करके, ये देखिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ देख रहे हैं आप हैं, और ये कटिंग देख रहे हैं, कटिंग देख रहा है ना, इसमें इसमें जो है ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इसको इसमें तेल लगाएंगे, ठीक है, और इसको इसमें ऐसे लगा देंगे, ठीक है, पूरा रबड़ इसमें ऐसे फीड हो जाता है, ठीक। अब रबड़ जब ऐसे इसमें फीड हो जाता है, आपको मैं एक पतला वाला है उसको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए ये जो कट गया है ये इसके अंदर फिट हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये चला जाता है, देखिए कटिंग है ना पूरा, ये कटिंग है पूरा एकदम किनारे तक होता है, इसमें फिट हो जाता है। अच्छा अब इसको हटाते हैं, पहले इस पे आके बात करते हैं, चलिए भैया आप लोग हो जाइए साइड फटाफट। ये यहाँ ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, इसके ऊपर लकड़ी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि एक रबड़ जो होता है ऐसे, एक सेट आपका ये हो गया, ठीक है, और ये एक सेट आपका जो हो जाता है ऐसे नीचे लग जाता है, बात समझ रहे हैं, इसके ऊपर हाँ इसी पत्थर के ऊपर ये रबर लगता है, ठीक है ना, इसी के बीच से चावल निकलता है, अभी वो सारा कहानी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए
इसके ऊपर दो लट्टू हो जाता है, ठीक है ना। ये बीच वाले में ऐसे लकड़ी लगा होता है और इन किनारों में दो लट्टू लगा होता है। ऐसे कसेंगे तो ये ऐसे चूड़ी होता है इसमें। अगर इसको कसेंगे ढीला होगा, इसको कसेंगे टाइट होगा। मैं इसको एक बार अभी एक इसको भी और स्पष्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे हमें क्या करते हैं, हम लोग ऐसे दबाते हैं, ठीक है, ऐसे दबाते हैं, ऐसे लट्टू बगल से कसते हैं तो ये नीचे जाता है, ऐसे ढीला करते तो ये ऊपर आता है। बात समझ रहे ना। तो दोनों तरफ से ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे नीचे ऊपर, सिंगल पॉलिशर होता है तो ये एक ही जगह ये सिस्टम होता है पूरा, डबल होता है तो ये एक सेट ये हो गया, एक सेट इसके नीचे हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, करते हैं स्टेपलर को हम साइड में, और ये चीज़ आप फट्ठी समझ गए तो देखिए फंठी के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। देखिए ये कट गया है, ध्यान से देखिए भाई साहब, ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया है और इसी में ये लगा होता है। अब ये जो रबड़, पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रबड़ वाला, इसके बाद बात आप करेंगे चावल वाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसी फंठी में लगा होता है, पहले फंठी को भी करते हैं साइड। अब देखिए, अब जितने टाइप का मेरे पास रबड़ है सबका पहले आपको दर्शन करा दें। कुछ रबड़ मैंने सैंपल इधर उधर से कलेक्ट किया हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये रबड़ देखिए एकदम नवा है, ये अभी नया रबड़ है, पतला साइज का रबड़ है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, ये मशीन में पड़ा था, चल के ख़राब हो गया, इसलिए इसको निकाल दिया गया, ठीक। ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ध्यान से दिख रहा ना आपको, ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इधर उभरा उभरा सा दिख रहा है आपको, ये रबड़ ख़राब हो गया है। एक प्रॉब्लम ऐसे आता है, अच्छा पहले आपको सबका दर्शन करा देता हूँ। ये साहब हैं बीच से ही गायब हो गए हैं। अच्छा इसके बाद देखिए, जो आप लोग कहते हैं कि भैया हमारा जो है धान से भूसी आ रहा है और रबड़ तो मेरा टाइट है, आप एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिए इसको, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। बीच से कट गया ना, इधर तो आपका रबड़ ऐसे बोलेंगे कि भैया मेरा टाइट है, लेकिन फिर भी जो है भूसी आ रहा है चावल में, तो क्यों आता है, इसी के कारण आता है। अभी सब पे बात होने वाला है, पहले अभी सबका दर्शन कराते जाऊँगा आपको एक एक बार। ये देखिए पूरा रबड़ आपको दिख रहा है ना, इधर कितना मोटा दिख रहा है, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए पतला हो गया ना, ये देखिए, ठीक है ना, बात समझिए, ऐसे हो गया, ऐसे देखिए इधर कितनी चौड़ाई है इधर, और इधर देखिए कितनी पतला है, ठीक है ना, ऐसे करके देखिए, दिख रहा है ना। अच्छा ऐसे आपका नया नया रबड़ ख़राब हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा धान की कुटाई कर रहे हैं उसमें से रबड़ आ रहा है, तो रबड़ ऐसे ही आता है। जब लोकल रबड़ डालेंगे आप लोग तो होगा क्या, रबड़ हम आपको बताएंगे कौन सा अच्छा होता है, घबराइए नहीं, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाने वाले हैं, कैसे रबड़ का हम अच्छा पहचान करें, ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, एक टॉपिक ये है, हाँ अच्छा एक टॉपिक इधर भी है, ये भी देखिए अभी नया, इधर देखिए कितना पतला है और इधर देखिए मोटा है, ठीक है ना, इधर देखिए ये कितना पतला, इधर मोटा है, ये भी एक टाइप का हो गया। अच्छा ये देखिए, जो आप कहते हैं कि भैया कहीं कहीं पे धान जाते हैं कुटाई कर रहे थे तब नहीं चावल में धान आ रहा था और भूसी आ रहा था, अब क्यों आ रहा है, तो यही है, इन्हीं का देन होता है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा अभी एक टाइप इनको देखिए, ठीक है, एक टाइप इनको देखिए, सब के बारे में बताऊँगा, प्रॉब्लम कैसे आती है, कारण क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे देखिए कट गया कि नहीं कट गया है, और अक्सर यहाँ पे क्यों इतना कट जाता है, बाकी अभी 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 इधर साइड देखिए थोड़ा ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम है, ठीक है, बाकी यहाँ बीच से टूट गया। रबड़ की क्वालिटी में भी कमी है दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर इधर बराबर है जैसे ये नरम है और इधर हार्ड हो गया तो ये कट जाता है। अक्सर क्यों कटता है देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर निशान मार दिया, ठीक है ना, ऐसे आया है, और यहाँ पे हार्ड है, ये देखिए यहाँ कट गया, यहाँ क्यों हार्ड हो गया, देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लोहे का कील दिख रहा होगा, मैं और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, देखेंगे यहाँ तो एक लोहे का कील आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, ये लोहे का कील दिख रहा है ना आपको, देखिए लोहे का कील है ना, तो ये लोहे का कील हो गया तो इधर हार्ड हो गया, ये प्लेट के बारे दब नहीं रहा था, इधर से कट गया, ये भी रबड़ हो गए बाहर, अभी इसको चलना चाहिए था, और ये एक रबड़ ये भी है, ध्यान से देखें क्या, मैंने बहुत सारा अभी रबड़ कलेक्ट है लेकिन मैं अभी बस कुछ ही सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, जो इस समय यहाँ पे है बस इतना ही सैंपल है, इसके बाद मैं आगे और वीडियो जब लाऊँगा तो उसमें भी दिखाऊँगा कुछ सैंपल। ये देखिए
यहाँ पे ऐसे टूट गया है और इस तरह से रबड़ है, जो कि अभी इस रबड़ को भी चलना चाहिए था। अगर यहाँ से बीच से ना कटा होता, एक बराबर चला होता, तो अभी ये रबड़ कम से कम 10 कुंटल के समथिंग वो धान निकाला होता। अब ये देखिए इधर कितना ज़्यादा रबड़, ठीक है ना, यहाँ देखिए इतना ज़्यादा रबड़ है, समथिंग 3 उंगली जितना है हमारे रबड़, ठीक है ना। और बाकी इधर आप देखिए, यहाँ टूट गया है, इधर टूट गया है, इधर कट गया है, और यहाँ पे देखिए रगड़ कैसे मारा है, देखिए ये पत्थर का रगड़ है पूरा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से भी कट गया है, आप इधर से देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ से कट गया है और यहाँ देखिए बीच से उखड़ गया, ठीक है। और बस इतना सैंपल अब मेरे पास है। अब चलिए इसके ऊपर हम बारी बारी से आते हैं और पूरा सब कुछ अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है गर्दा, अब इसको हम साफ करने के बाद चलिए अब आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जब भी आप रबड़ आपका देखिए, एक एक चीज़ और ध्यान से जान लीजिए, जब आप किसी भी रबड़ को लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इस पत्थर के ऊपर जब ऐसे रबड़ लगाते हैं, हैं, तो जब देखिए एक तो इधर कटिंग है, एक और दूसरा इसी साइज का लाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए इधर मोटा इधर पतला, ठीक है ना, बाकी इधर देखिए समथिंग दोनों साइज लगभग लगभग बराबर है, थोड़ा कम बेसी है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए भाई, थोड़ा सा अभी वीडियो में बोरियत आपको लग रहा होगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ये ही चीज़ बहुत बड़ी बात होता है राइस मिल में। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वही लोग बाद में परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो और इस तरह से शायद आज तक आपको कोई पूरे YouTube पे आपको नहीं दिखाया होगा, क्योंकि जिसके पास भैया मान लीजिए इस फील्ड का नॉलेज होगा, वही आदमी इस चीज़ को आपको बता सकता है, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों तीनों पीस का कर देते हैं साइड में, अभी रुकिए, फिर अब मैं आप लोग को एकदम अच्छे से बताता हूँ। इसको करते हैं पहले साइड, ठीक, ये हो गया मेरा पूरा साइड। अब देखिए कोई भी जब आप रबर मशीन में लगाइए, अच्छा पहला एक चीज़ सवाल जानी है कि इन दोनों के बीच में जब आप धान की कुटाई के लिए जब नया रबर लगाते हैं तो कितना जगह होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से समझिए आपका नया है रबर है, इधर ऊपर का ध्यान मत दीजिए, समझिए नीचे का नया रबर है, ठीक है ना। तो आपको कितना जगह होना चाहिए दोनों के बीच में, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें से एक चावल निकलने का जगह होना चाहिए, यानी कि इसको कितना ऊपर आप समथिंग कितना ऊपर लगाएंगे, समथिंग आप इतना ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच से एक चावल निकलने का जगह होना चाहिए, चाहे एक चावल से ज़्यादा निकलने का जगह होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अच्छा अब इसको जब आप लगाइए, ठीक है, यहाँ पे एक लट्टू इधर होता है, एक लट्टू इधर होता है, ठीक है। तो भाई साहब दो लट्टू होता है ना, तो दोनों लट्टू का मतलब ये है कि जब भी आप इसमें लगाते हैं तो ये दोनों लट्टू जब आप कसते हैं, ठीक है, तो ये बराबर कसिए। अगर आप बराबर नहीं कसते हैं, इस रबड़ में क्या कमी है ये बताता हूँ, क्यों इस तरह से कटा है, क्योंकि इसके ऊपर जो दोनों लट्टू का दबाव लगता है, ठीक है, वो दोनों एक बराबर नहीं कसा गया। अच्छा अगर ये रबड़, जैसे ये रबड़ है, अगर ये रबड़ मैंने आप लगा दिए, एक तरफ का लट्टू देखिए, इधर का लट्टू ज़्यादा कस देंगे तो ये ज़्यादा दब जाएगा, इधर का नहीं कट रहेगा तो ऐसे उठ जाएगा कि नहीं। तो जब भी आप राइस मिल चलाएंगे तो यही हिस्सा इस पर ऐसे दरेगा, क्योंकि ये पत्थर तो घूमता रहेगा तेज़ी से, और यही हिस्सा इस पर रगड़ेगा, ठीक है ना। तो रगड़ने का कारण क्या होता है कि इधर का घिस जाता है, और इधर जब आप दबाव बनाते हैं इधर, तो इधर ये हमेशा ज़्यादा बनता जाएगा। तो जब भी लट्टू लगाइए दोनों एक बराबर होना चाहिए, और जब भी रबड़ टाइट करिए तो दोनों एक बराबर टाइट होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल लगभग समझ में आ गया। इसको करते हैं भैया बहरहाल साइड, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे साफ साइड लोग। अच्छा ये रबड़ क्यों कटता है, ये रबड़ जो कहीं कहीं आप रबड़ देखते होंगे खाली खाली कटता है, एकदम से बीच में कटता है, ठीक है ना, जहाँ पे भी देखते होंगे रबड़ एकदम से बीच से कटता है। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल का मतलब ये है कि जैसे आपने राइस मिल में गल्ला खोले, ठीक, तो पॉलिशन में ऊपर लगा है चोंगा भैया, और चोंगा में से डायरेक्ट धान गिरता, अगर मान लीजिए एक जगह कहीं जाके गिर के धान इकट्ठा हो गया और आप राइस मिल झटका दे के चालू किए, और रबड़ अगर आपका लोकल लगा है तो बीच से ही कटेगा, एक बात बिल्कुल जान लीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़
जैसे जो लोहे का फंठी होता है, जैसे आप लोहे का जो ये फंठी देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये भी हल्का है, वो मतलब हल्का तो होता ही, लेकिन इसका चद्दर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, या जो राइस मिल लोग लेते समय सस्ता राइस मिल ले लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे राइस मिल सस्ता मिल गया है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पॉलिशर अंदर का लोहे का चद्दर का बनावट होता है ना, अगर उसमें उसकी चाबी की कमी है, या मान लीजिए उसका जो लोहा लगा उसमें भी हल्का है, तो अक्सर वो लफ जाता है, तो लफ जाने का कारण क्या होता है, ये आके ऐसे तिरछा हो जाता है, जो जो प्लेट होता है ना पूरा, इसमें जो जी सांचा में, जिसमें देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो रबर सेट है दोस्तों, ये बहुत दिन का मैंने बहुत संघर्ष किया हम लोग इस फील्ड में, तब जा करके ये सब समझ में आया, ऐसे जो सांचा होता है, जिस सांचे में ये पड़ा होता है, जब कमज़ोर होता है तो हल्का सा उलझ जाता है, तो उलझ जाने के कारण ऐसे बीच में दब जाता है, और जब भी चावल गिरता है तो डायरेक्टली यहाँ फोर्स कर जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, ज़्यादा फोर्स कर जाता है बीच से, तो अक्सर यही समस्या आता रहता है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और रबड़ का मॉडल, देखिए आप ये रबड़ देखिए, ठीक है ना, ये रबड़, ठीक, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए यही प्रॉब्लम होता है, अगर उलझ गया पट्टी तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और अगर ये पट्टी ये दूसरे मशीन का है दोस्तों, मैंने कई मशीन वालों के पास गया जिनका रबड़ कटा, उनकी प्रॉब्लम देखा, तब जा करके ये वीडियो आज आपके सामने रखा हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ये अलग चीज़ें होती हैं, तो जब ये पट्टी फल जाती है, जब भी राइस मिल लीजिए भैया, 2000 महंगा लीजिए, सस्ता मत लीजिए, ठीक है ना, सस्ता लेंगे तो यही सब परेशानी एक ना एक आता रहेगा, इसके कारण ये कटा, ये सिंपल आपके आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसका मैं बताऊंगा कि जब ये कटेगा तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, ठीक है ना, ये तो आपको समझा ही दिया हूँ, तो ये रबड़ आपके समझ में आ गया होगा, जब ये रबड़ लोकल रहेगा तो अक्सर ये भी टूट जाता है, और अगर किनारे पे आपने किसी साइड ज़्यादा फोर्स कर दिए तो उस साइड का कट जाता है, ठीक है। और इसमें भी आप देखिए, इसमें भी वही हालत है, लेकिन हाँ यहाँ एक किनारे पे उठ गया है, किनारे पर उठने का मतलब ये भी जान लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, ये इतना कलर दूसरा है, ठीक है ना। तो रबड़ जब भी आप लीजिए भैया, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला लीजिए, लोकल वाला लेंगे तो ऐसे परेशानी आता रहेगा, एक बात ये भी जान लीजिए। अब देखिए, ये तो नया रबड़ है, एक साइड क्यों उठा, तो एक साइड उठने का कारण है दोस्तों, ये जो आपकी लोहे की पट्टी है ये फैल चुकी है, या आपका जो राइस मिल में लगा हुआ चाबी है, वो चाबी कहीं ना कहीं बढ़िया से एडजस्ट नहीं है, अगर लोकल अच्छी राइस मिल नहीं रहती है तो उसकी चाबी वगैरह लोग नहीं, अगर पॉलिशर में अच्छा फिट होता है तो यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो जिधर को वो ज़्यादा उठा रहेगा उधर ही चावल ज़्यादा फोर्स करेगा, जैसे मान लीजिए इधर से फेंक रहा है या रबड़ ऐसे आपने लगाया है, चावल इधर से आ रहा है, चाबी इधर से ज़्यादा उठा है, तो यही मारेगा सीधा, इधर से छोड़ेगा, इधर से ज़्यादा कटेगा, ये नुकीला हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बड़ा मैं आप लोग को चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे लोग नहीं समझ पाते। अभी इस पर मैं बताऊँगा चावल में इस तरह का प्रॉब्लम होने में, चावल में कैसे पता चलता है कि प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, कैसे आप जानेंगे कि मेरे राइस मिल में, क्योंकि ये अंदर लगा है, इसके ऊपर जाली लगा है, ये पूरा पैक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी क्या उपाय है, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखिए, अभी वीडियो आज मिस मत करिएगा, नहीं तो जब आप लोग फ़ोन करते हैं और मैं आप लोग से पूछता हूँ कि भैया वीडियो देखे थे आप मेरा, तो आप कहते हैं कि भैया देखे थे, उधर नहीं ध्यान दिए, तो ऐसा ना करिएगा भैया कि आप फ़ोन पे बात करिए, ये सारी चीज़ें हम बताएं और ये वीडियो आप मिस कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि जितने भाई लोग को फ़ोन पर मुझे बताना पड़ रहा था प्रॉब्लम आ रही थी, सबका यहाँ सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए, ये रबड़, ये देखिए हैं, ध्यान से देखिए भैया, ये देखिए रबड़ की हालत ऐसे दिखाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, ये रबड़ की क्वालिटी है, ठीक है। और रबड़ की क्वालिटी है दोस्तों, ये रबड़ की क्वालिटी है, पहली बात रबड़ की क्वालिटी में कमी है, सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात जिस राइस मिल में लगा था दोस्तों, अगर जो रबड़ अच्छा पड़ रहा था उसमें भी यह प्रॉब्लम आ रहा था, क्यों, क्योंकि जो उसका पॉलिशर था ना वो सस्ता वाला था, डी ग्रेड का पॉलिशर था, तो हम हर रबड़ को काट रहा था, पहली बात तो ये रबड़ भी ख़राब है, लेकिन जिस राइस मिल में लगा था, मैं उस कंपनी का राइस मिल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मित्रों, बाकी ये जान लीजिए ये प्रॉब्लम उसमें भी आ रहा था। अब देखिए, ये चावल की क्वालिटी की बात हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले इन पे चले आते हैं, ये साहब को क्या हो गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये पैदाइशी बीमारी नहीं है, ये राइस मिल की क्या ही बोलो, तो ध्यान से देखिए, इसमें ये लगा होता है, एक प्रॉब्लम जान लीजिए, जब भी आप राइस मिल में रबड़ आपका ख़त्म होने वाला हो, आपको लगे, जब वो ऊपर कैसे लट्टू होता है, वो जब आप उसका ऊपर जो है नट बराबर हो जाए, तभी इस रबड़ को आपको निकाल देना चाहिए, नहीं निकालेंगे
तो ये तो जिस राइस मिल का था उसका ये पूरा कट जाएगा, तो ये पत्थर जो है पत्थर पे आके सटेगा, पत्थर इसको खींच करके बाहर फेंकेगा, जो ऐसे बाहर जाली लगी होती है जहाँ से ब्रांड निकलता है, वो आपका ये जाली तोड़ के ये बाहर निकल जाएगा, और जो इस पे ऐसे प्लेट लगा करके इसको कसते हैं वो भी तोड़ देगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर दीजिए करिए, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताते हैं कि धान में कैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। इनको ध्यान से देखिए, जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो रबर टूट टूट के आपके राइस मिल से सही जो खाने वाला चावल होता है उसमें जाएगा, ठीक है ना। तो जब इस तरह का चीज़ें होती हैं तो आप समझ लीजिए, जब आपके राइस मिल आप चला रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कभी कभी खड़ा धान आ जाए, या कुछ चावल पीला पीला ही बाहर निकल जाए, जैसे पूरा चावल लाइट आएगा, कुछ चावल उसमें पीला पीला आएगा, ठीक है। तो समझ जाइए कि आपके राइस मिल में प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है ना। तुरंत समझ जाइएगा, देखिए एक दबाव यहाँ लगा होता है, एक दबाव यहाँ लगा होता है, ध्यान से देख सकते हैं, शायद आपको दिख जाएगा। तो ये इस तरह से दो लट्टू कसा जाता है, और जब इस तरह से निकलेगा, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके राइस मिल कैसे जानेंगे, ध्यान से सुनिए। जब आपका ऐसे ऐसे झरना वाली मशीन होगा, या डायरेक्ट ऐसे जो बिना झरना की मशीन होगा, उसमें ऐसे चावल को हाथ में लेंगे और कुछ चावल पीला पीला दिखेगा या उसमें एक एक धान आता रहेगा, तो ये समझ लीजिएगा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब आपका रबर कट गया है, इसको चेंज करके नया डालिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर इस तरह का रबड़ आपका कट गया, ठीक है, अगर आपका रबड़ में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आप समझेंगे कि आपके राइस मिल का रबड़ ख़राब है, ठीक है। जब इस तरह का रबड़ होगा तो जो ऊपर कसने वाला लट्टू होता है ना, एक साइड का बहुत टाइट हो जाएगा, एक साइड का ढीला रहेगा, ठीक है। तब समझ लीजिएगा कि जब एक साइड का बहुत ज़्यादा टाइट होगा, एक साइड का ढीला होगा, उस टाइम अगर आप कसते हैं तो ये मान लीजिएगा आपका रबड़ इस तरह से कटेगा, ठीक है ना। तो इसके बचने के लिए एक बराबर ऐसे रबड़ ऐसे जब रहे तो इसको एक एक चावल निकलने का यहाँ से जगह छोड़िएगा, ठीक है ना, ऐसे पूरा एक चावल निकलने का जगह छोड़िएगा, ठीक, जिससे एक चावल पूरा बाहर अच्छे से निकल जाए। अब बराबर कसिएगा, और जब जिधर लगेगा कि जैसे देखिए ये साइड टाइट है, ये साइड उठा है ना, इधर का ढीला रहेगा और इधर का टाइट रहेगा, क्यों, क्योंकि इधर दबाव रहेगा। तो जब इस तरह की बातें हो तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं राइस मिल में ये चीज़ें आ रही हैं, आपका रबड़ इधर कटने वाला है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि अगर आपका रबड़ एक ही साइड कटा है, तो एक चीज़ जान लीजिए, आपका चावल एकदम आग जैसा निकलेगा। अगर इस तरह का रबड़ कटेगा कि ऐसे इधर इधर का एकदम प्लेन रहेगा और इधर का उठा रहेगा, तो जान लीजिएगा चावल आपका आग जैसे एकदम गर्म निकलेगा, ठीक है ना। तब ये जान लीजिएगा ये प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर का कटता रहेगा, ये जब आपका पॉलिशर ऐसे उलझ जाता है जिस सांचे में ये रहता है पूरा इसका रबड़ और लट्टू कसने वाला, ये जब उलझता है ना तो ऐसे जाकर के एक साइड ऐसे बढ़ जाता है, तो जिस साइड जो है दोस्तों, जैसे देखिए ऐसे है, ये इस साइड से कटा है, इसका मतलब इसका पॉलिशर ऐसे उलझा था, ठीक है ना। तो ये ऐसे कटता है और इधर से निकलता है, तो यहाँ से जो चावल जाता है वो एकदम हीट होकर जाता है, क्योंकि प्रेशर से जाता है और चावल में टूटान भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसको भी हटा देते हैं हम, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अच्छा, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह का रबड़ में, या इस तरह से कट रहा है, ठीक है ना, देखिए इसका भी ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए इधर नुकीला है ना, इधर देखिए घिस गया है, शायद मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा केयर करिए, देखिए नुकीला है ना, इधर देखिए एकदम घिस गया है, ये देखिए नोक जैसा है, ठीक है। तो तब इस तरह से अगर नुकीला हो रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आपका पॉलिशर एक साइड से उलझ गया है और इस तरह से टूट टूट के निकला। अगर आपके चावल में थोड़ा थोड़ा रबड़ जा रहा है तो जान लीजिए आपका पॉलिशर का रबड़ ख़त्म होने वाले के कगार पे है। अगर चावल बहुत ज़्यादा हिट निकल रहा है, ठीक है, और एक साइड जो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है और थोड़ा थोड़ा रबड़ टूट के निकल रहा है, तो आपका चावल हिट निकलेगा और कभी कभी दोस्तों जो है आपके धान में जो है भूसी जाता रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक ये बात जान लीजिए, अगर आपके राइस मिल का चावल में धान लगातार आ रहा है, जैसे इतना मान लीजिए, इतना आपके पूरे अजूरी में अगर आपके धान है, ठीक है ना, चावल है, और उसमें जो है मान के चलिए इतना ज़्यादा एक चुटकी, यानी कि अगर ये 100% मानिए तो 20% इसमें अगर भूसी आता रहेगा, लगातार आता रहेगा, बंदा नहीं होगा, मान जाइएगा, तुरंत समझ जाइएगा कि आपके रबड़ का बीचों बीच से आपका कट गया है। क्या कट गया है? रबड़ कट गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर दबाओ तो आप चाँप देंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, इधर आप पूरा दबाव कस देंगे, ठीक है, पूरा एकदम दबाव छापा, मतलब दबा रहेगा, है ना।
तब जा करके, और इधर देखिए खुला है कि नहीं खुला है, बीच से दरबार है, गेट हो गया है, राजा महाराजा का जैसे गेट होता था, समझ रहे ना। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से जो है दिक्कत आएगी, तो ये समझ लीजिएगा, सिंपल बात है ना। तो इसको तुरंत जान जाएगा आपका रबड़ ख़राब है। अगर ऊपर वाले से यार डबल पॉलिशर होगा तो ऊपर वाले में हाथ डाल के देखेंगे, अगर 20% आ रहा तो समझ जाएगा ऊपर वाले में खराबी है। नीचे वाले पॉलिशर में दिक्कत है, डायरेक्ट चावल में आ रहा तो समझ जाएगा ऊपर वाले में दिक्कत है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम ये भी आ गया। हाँ, अगर सिंगल पॉलिशर रहेगा तब तो जाके एक ही जगह कसेंगे, डायरेक्ट वहाँ से बाहर आएगा। और हाँ, अगर ऊपर वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ये है ना, अगर ऊपर वाला रबड़ पूरा पूरा फिट है, एकदम दबा है, तब तो जाके सोचिए कैसे आएगा इधर से, ठीक है, तब नहीं आएगा। लेकिन नीचे वाले में ये मान के चलिएगा तो चावल आपका उतना लाइट नहीं होगा, कुछ चावल लाइट होगा कुछ चावल नहीं लाइट होगा। ये नीचे वाले में अगर प्रॉब्लम आई है तो कुछ चावल लाइट होगा कुछ चावल नहीं लाइट होगा। और अगर ऊपर वाले से एक भी धान आ रहा होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। इनको भी देखिए, अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, ठीक है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये मान के चलिएगा कि ये इतना तो पहली बात घिसना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा घिस गया है। अब इतना ज़्यादा के बाद बताइए इसमें क्या बचा है। और देखिए यहाँ बीच से कटा है, बीच से कटा ना, तो बीच से कटने का मतलब अगर बीच से कट रहा है तो ये मान के चलिएगा किनारे किनारे का उठा है। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, ये भी एक चीज़ और जान लीजिए, अगर एक बैग गला खोलते हैं तब भी अक्सर ऐसे कट जाता है, एक बैग गला खोलने पे भी ये रबड़ कट जाता है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर एक बैग गला खोला जा रहा है तो अक्सर ऐसे कट जाता है, और जब ऐसे कट जाता है तो भूसी और ये सब आपका बंद नहीं होगा। तो बात समझ गए। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम देखिए, एक बैग गला खोलने की वजह से था, पॉलिशर उलझने की वजह से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक बैग गला खोला जा रहा था तब इस तरह से कटा है, और एक तरफ से दोस्तों टाइट किया गया था, पॉलिशर उलझ गया था। ये पॉलिशर की टोटल जो एक बहुत नामी कंपनी है दोस्तों, नहीं बोलना चाहिए मुझे, उसी के कंपनी का ये मशीन, उसी कंपनी का मशीन था, इसमें ये प्रॉब्लम आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अभी अभी जो है अगले साल की मशीन है, ठीक है ना, तो अगले साल का मतलब 2020 लास्ट का है, ठीक है ना। तो उस मशीन का ये रबड़ है, देख लीजिए, ठीक है, पॉलिशर उलझ गया था, पूरी पॉलिशर जो है एक तरफ से उलझ गया था, ऐसे उलझा था, देखिए ऐसे, जैसे पूरा कटिंग होता ना तो ये ऐसे उलझा था, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ये भी हो गया है। अच्छा, ये देखिए, अगर आपका रबड़ दोनों समझ आप लग रहा है आपको बराबर बैठ रहा है, ठीक है, और आपका रबड़ से एक बाइप से दो चार टुकड़ा निकला और आपने रबड़ को कसे, चावल भी साफ निकल रहा, लेकिन कभी कभी जो है गड़बड़ हो रहा है, या आपका जो है यही कांटी जो लगा है बड़ा होता तो पत्थर तो घिस घिस करके इसको तो घिस डालता है पत्थर, ठीक है, तो कुछ ही देर में कांटी हर मतलब गल जाती है। लेकिन अगर उसके बाद आपका पत्थर नहीं दब रहा है, या मान लीजिए कांटी इधर धस गया तो इधर का एरिया नहीं दबने देगा जल्दी, ठीक है ना, और इधर का एरिया उठा हुआ है, और इधर का अगर मान लीजिए कट गया तो पहली बार तुरंत आपको इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि आपके जो है चावल में रबड़ चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों तरफ से कस रहे हैं और आपका गाड़ी लोड ले रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपके रबड़ में कांटी है। अगर ये दोनों टाइट करने पर चावल एकदम हीट निकल आग जैसा और भूसी उसी नहीं आ रहा है और एक आध बार रबड़ आ गया तो समझ जाइएगा कि आपके चावल में क्या नाम है, कुछ कांटी वटी धंस गया, ठीक है ना। तो एक ये भी बातें हैं दोस्तों। हो सकता है कि आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो जिसका मैंने अभी क्वेरी ना किया हो, उसको बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट में एकदम सब लिखिएगा आपको अगर नहीं समझ में आया होगा भैया। हाँ, एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये नया रबड़ है, इधर से देखिए ये ऐसे घाट है, ठीक है, और इधर का देखिए ये इस तरह चिकना है, और इधर देखिए नोकीला है, इधर से शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है ना, नोकीला नहीं है, ये देखिए पूरा घिस गया, और इधर से देखिए नोकीला है, ये नोकीला है, आपको मैं दिखाऊँ ना चेहरे से, ये देखिए नोकीला है ना। इस तरह से अगर नहीं घिस रहा है, ठीक है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो पहली बात दोस्तों आपका पॉलिशर में भी प्रॉब्लम है, सस्ती मशीनें लेना बंद करिए। अगर आपको राइस मिल खरीदना है तो आप हमसे भी संपर्क करिए, मैं आपको एक अच्छा राइस मिल दिलाने में मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आप लोकल कंपनी का रबड़ डाल रहे हैं तभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये प्रॉब्लम जब आएगा, ठीक है, तो जान लीजिए क्या होगा, एक तरफ का आपका पूरा पूरा ऐसे दबेगा नहीं, लट्टू कसने वाला, और एक तरफ का पूरा दबते चला जाएगा। तो ये जान लीजिएगा ये कि ये रबड़ इस तरह की बातें हैं। और अगर जब ये प्रॉब्लम आपका आएगा, अगर मान लीजिए नीचे वाले में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिएगा, ठीक है ना,
इधर देखिए, अगर इधर घात है या इधर ऐसे है तो ये तो रबड़ बैठा रहेगा, लेकिन अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आप इधर देखिए, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए जब तक इधर है तब तक तो बरान आपका सही देगा, एक बैग जो बरान में भूसी आ जाता है, एक बैग से देखते होंगे बरान में कुछ खड़ी खड़ी भूसी आ जाएगी, मतलब अगर आपका थोड़ा सा बड़ी जाली है तब। अभी तो इधर रहेगा तो ये तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये एरिया आता है, ये देखिए जैसे ही ये एरिया आता है, ठीक है ना, तो ये कटने के वजह से देखिए इन दोनों के बीच में दोस्तों देखिए अच्छा खासा गैपिंग हो गया, देख रहे ना, सटा तो है लेकिन गैपिंग हो गया। तो जो ब्रान अगर जब ऐसे आ रहा है, जो ब्रान यहाँ रुका है, तो जैसे ही ये निकलता है तो हवा यहाँ से मारता है, सीधा ब्रान बाहर आ जाता है, तब जा कर के इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा। दोस्तों जो भी मैं बात आपको बोला हूँ, हो सकता अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ना अच्छा लगा हो या न समझ पाए हो, अच्छा न लगने की बातें अलग है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने बहुत दिन तक अनुभव किया है, तब जा कर के आपको बता पा रहा हूँ और इस तरह से जो है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी अभी जब आप आगे मशीन चलाएंगे या किसी का आप ड्राइवर भाई हैं, आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो इसको ध्यान में रखिएगा। 6 बजे के आसपास मैं शाम को वीडियो आप लोग को जरूर सेटिंग का दिखाता रहूँगा, ठीक है ना, प्रयास करूँगा डेली का डेली आपको दिखाता रहूँ। बाकी और भी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी और दोस्तों मैं खड़ा रहूँगा अब एक दिन मशीन पर, इसको पूरा अच्छे से मशीन पर दिखाऊँगा, आगे का जो कटरी वटरी सब सारा चीज़ आपको बता दूँगा, ठीक है। तो जो है अभी अब इसके ऊपर और भी जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर इस तरह से और भी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं अगर इस तरह का और भी वीडियो बनाऊँ तो वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो अगर आप कुछ हो सकता है इसमें कुछ चीज़ ना समझ पाए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दीजिए और मैं उस पर जल्दी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको जो है एकदम बिल्कुल उस पर स्पष्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा, 6 बजे आप लोग आ जाया करिए और 6 बजे चैनल पे आप लोग आ जाइएगा, 6 बजे आप लोग के लिए एकदम वीडियो अपलोड डेली हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बन रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं या आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।